हाय गाइस, अल्टीमेट वॉर्स की और एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 500 सब्सक्राइबर स्पेशल Q&A वीडियो। एंड अगर आपके पास जो है न्यू वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट में बता देना। एंड दो तीन दिन से जो है चैनल काफी डाउन जा रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड मैं सोच रहा था कि हर महीने मेरे को Q&A वीडियो करना चाहिए, ताकि आप लोग के जो छोटे मोटे डाउट्स रह जाते हैं वो मैं Q&A वाले वीडियो में पूरा कर दिया करूं। तो हाँ, कमेंट जरूर करना कि हर मंथ Q&A वीडियो चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए अब पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है हिमांशु गो की तरफ से, एंड ये पूछते हैं कि आपकी एज कितनी है एंड फेस रिवील कब करोगे। तो देखो, मेरी एज जो है वो 16 ईयर्स है, एंड फेस रिवील कब करूंगा ये तो मेरे को खुद भी नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही रहेगा तो जल्दी करेंगे फेस रिवील। अगला सवाल आ रहा है TKV प्रोडक्शन की तरफ से, एंड ये पूछते हैं क्या अल्टीमेट बैन प्राइम बैन है। तो इसका जवाब है नहीं, अल्टीमेट बैन जो है वो एक ऑल्टरनेट रियालिटी का हिस्सा है। एंड आई थिंक मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाया हुआ है, जब मेरे करीब 40-50 सब्सक्राइबर थे तब शायद मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो देखना एक बार, चैनल पे शायद होगा तो जाके देख लेना उस वीडियो को। अगला सवाल आ रहा है एनिमे 10,000 ब्रो की तरफ से, एंड ये पूछते हैं अपने गेमिंग चैनल पे किसी और गेम को ट्राई क्यों नहीं करते हो। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि जो मेरा फोन है वो 3GB रैम का है, एंड मेरे फोन में ज्यादा स्टोरेज भी नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा गेम्स डाउनलोड नहीं करता हूँ एंड ज़्यादा को मैं ट्राई भी नहीं करता हूँ। अगला जो सवाल आ रहा है वो है सुनीता दंदलानी की तरफ से, एंड ये पूछती हैं कि व्हाट इज़ योर फुल नेम। तो मेरा जो फुल नेम है वो है कौशल गुप्ता, एंड मैंने जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में भी ये लिख रखा है। तो अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया तो चैनल के अबाउट सेक्शन को चेकआउट कर लेना। अगला सवाल आ रहा है आरगेआर 10 की तरफ से, एंड ये पूछते हैं व्हाट्स योर फेवरेट एलियन। तो देखो, मेरा हर सीरीज में एक फेवरेट एलियन है। क्लासिक सीरीज में डायमंड हेड है, एलियन फोर्स में जो है क्रोमा स्टोन है, एंड बेंटन अल्टीमेट एलियंस में जो है फास्ट ट्रैक है, एंड ओमनीवर्स में जो है मेरा अटोमिक्स है, एंड रीबूट सीरीज में मेरा कोई भी ऐसा फेवरेट एलियन नहीं है। अगला सवाल आ रहा है आयुष कोष्टी की तरफ से, एंड ओ माई गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी मैं जो है क्वेश्चन शॉर्ट में पढ़ूंगा, एंड अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। तो इनका बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है कि बेन जब फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म होता है एलियन फोर्स में स्वर्म फायर में, तो उसको कैसे पता रहता है कि वो स्वर्म फायर जैसे एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा, एंड वो उसका नाम कैसे रखता है। तो देखो, ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका नाम रखता है, ना कि ट्रांसफॉर्म होने से पहले। एक बार एपिसोड को ध्यान से देखना। एंड बेंटन को इस तरीके से पता चलता है कि वो स्वर्म फायर के जैसे ही एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स का जो एक्टिव मोड है वो काफी अच्छे तरीके से काम करता है, एंड एकदम 3D लुक में बेन को पता चलता है कि वो किस तरीके के एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। एंड रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स के एक्टिव मोड में पूरे अच्छे तरीके से पता चलता है कि हाँ, वो इसी तरीके के एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा जैसे कि प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स में था। उसे उतना भी अच्छे से नहीं पता चलता था कि वो किस टाइप के एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा, बट रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स एंड अल्टीमेट्रिक्स में उसको पूरा एक 3D लुक मिलता था कि वो किस टाइप के एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर में बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 1 एपिसोड 8 में ओमनीट्रिक्स बेन को एलियन एक्स में ही क्यों ट्रांसफॉर्म करता है, ना कि क्लॉकवर्क में। आखिर में क्लॉकवर्क भी तो टाइम को रिवर्स करके यूनिवर्स को बचा सकता था। तो देखो, पहला रीजन ये है कि ओमनीवर्स वाला ओमनीट्रिक्स बेन को सिचुएशन के हिसाब से एलियन देता था, इसीलिए उस टाइम पे ओमनीट्रिक्स ने बेन को एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म किया। बेन को खुद भी नहीं पता था कि वो एलियन एक्स में ही ट्रांसफॉर्म होगा। दूसरा रीजन जो सबसे ज्यादा जेन्युइन है वो ये है कि बेन 10 के क्रिएटर्स ही ये चाहते थे कि वो एपिसोड 8 में एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होके यूनिवर्स को रिक्रिएट करे। तीसरा क्वेश्चन है कि आखिर में बेन 10 रिबूट में ओमनीट्रिक्स में विलगैक्स का DNA आया कहां से। तो बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में एजमत ने खुद ही बताया था कि एजमत ने ही उसको टेलीपैथी की हेल्प से विलगैक्स के हाफ DNA को ओमनीट्रिक्स के अंदर डाल देता है एजमत। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमेट स्पार्की की तरफ से, एंड ये पूछते हैं तुम्हें बेन 10 के अलावा और कौन से कार्टून एंड एनिमेस पसंद है। तो मेरे को पोकेमोन, बेबलेट एंड कभी कभी ऑगी एंड द कॉकरोचेस देख लेता हूँ, एंड एक टाइम पे बोबो बॉय भी मेरा काफी फेवरेट हुआ करता था। अगला सवाल आ रहा है हैदर अली की तरफ से, एंड ये पूछते हैं क्या बेन 10 कभी मरेगा, क्योंकि उसने जो है एस्कलॉन का इस्तेमाल किया था, एंड जो एस्कलॉन का यूजर होता है वो अमर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है नॉट श्योर, क्योंकि मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि मेरे को रिसर्च करना होगा, एंड हो सकता है इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी लेके आऊँ, क्योंकि अगर मैं अभी समझाने जाऊँ
तो वीडियो काफी लंबा हो जाए, 3-4 मिनट और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अगला सवाल आ रहा है कॉमिक्स टूनिक्स की तरफ से, एंड ये पूछते हैं इनविंसिबल सीरीज देखी? तो देखो मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं देखना चाहता था बट मैं नहीं देख पाया। अगला सवाल फिर से हैदर अली की तरफ से आ रहा है, एंड ये पूछते हैं कि अगर बेन 10 क्लासिक सीरीज में बेन को बायोमेट्रिक्स मिलता तो क्या होता? तो देखो इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बन सकता है, एंड मैं इसी वीक में व्हाट इफ सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कुछ दिन वेट कर लो प्लीज। अगला सवाल आ रहा है अर्जुन वीर के तरफ से, एंड ये पूछते हैं कि केविन को आखिर रिबूट में एलियन के डीएनए कहाँ से मिले एंटीट्रिक्स के लिए? तो देखो आपने भी जो सवाल पूछा है इसके ऊपर भी अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, एंड मेरे पास इसके लिए 4 फैन थ्योरीज हैं, तो इसके ऊपर भी वीडियो इसी वीक के अंदर आएगा, तो तैयार रहना वीडियो के लिए। एंड इन्हीं का क्वेश्चन है कि किस क्लास में हो, तो मैं क्लास 10 में हूँ। अगला सवाल आ रहा है राजेश कुमार की तरफ से, एंड ये पूछते हैं रियल नेम, एज एंड क्लास। तो मेरा रियल नेम कौशल गुप्ता है, एज है 16 एंड क्लास है 10, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। ओमनी ब्रो पूछते हैं क्या रिबूट प्राइम टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है? नहीं, रिबूट टाइमलाइन अलग चलता है एंड प्राइम टाइमलाइन अलग चलता है। अगला सवाल है ऑल इन वन सोहेल की तरफ से, एंड ये पूछते हैं फेवरेट मार्वल कैरेक्टर और डीसी कैरेक्टर और बेन 10 कैरेक्टर। तो देखो मार्वल में आयरन मैन, डीसी में बैटमैन एंड बेन 10 में बेन 10। युवराज कुकरेजा पूछते हैं ग्रेविटैक वर्सेस अटोमिक्स, तो अटोमिक्स जीतेगा। अगला सवाल है एपीसी गेमर की तरफ से, एंड इन्होंने रैपिड फायर मारा है, शाहरुख खान और विलगैक शाहरुख खान, आयरन मैन और लोकी आयरन मैन, सलमान खान और बेन 10 बेन 10, ग्वेन और जूली ग्वेन। एंड आई एम सॉरी अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुका हूं, एंड अब इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं खुद भी पिक नहीं कर सकता हूं, सो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट क्यूएनए में प्लीज अपना क्वेश्चन जरूर से कमेंट करना, एंड जैसा कि मैंने कहा कि अब से हर मंथ हम लोग एक Q&A वीडियो जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, साथ में चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, बाय बाय।